हेलो बच्चों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अरे जय श्री कृष्णा तो बोलो। चलिए ठीक है। तो आज यदि हम बात करें आप लोगों से कि 12th बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अपन बहुत सक्सेसफुली 14 लेक्चर तक खत्म कर चुके हैं। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, मैमरी ग्लैंड्स। तो बिना टाइम डिस्टर्ब करते हुए अपन यदि बात करें, मैमरी ग्लैंड्स जो होता है ये एक एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, ये फीमेल में एक एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है जिसको हम ब्रेस्ट भी बोलेंगे। यदि हम ब्रेस्ट की बात करें तो डेवलप्ड ओनली फीमेल, ये सिर्फ फीमेल में डेवलप है बट नॉट डेवलप्ड इन मेल, जो कि मेल में डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेस्ट। उसके बाद यदि हम बात करें मैमरी ग्लैंड्स, तो द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑफ वोमेन और अदर फीमेल मैमल्स, मतलब जितने भी फीमेल मैमल्स होते हैं तो उनमें एक ग्लैंड्स होती है जो मिल्क प्रोडक्शन करती है, जिसको हम बोलेंगे मैमरी ग्लैंड्स। इसी मैमरी ग्लैंड्स के यदि हम ब्रेस्ट की बात करें, तो ब्रेस्ट तो वन ऑफ द टू सॉफ्ट राउंडेड पार्ट ऑफ वोमेन, मतलब वोमेन में टू राउंडेड सॉफ्ट पार्ट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट। बॉडी दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क, है ना, जो कि मिल्क प्रोड्यूशन में हेल्प करता है। इसी को हम बोल सकते हैं ब्रेस्ट और मैमरी ग्लैंड्स आर एसेसरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी ग्लैंड्स होती है। ठीक, अब यदि हम इसी का आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो अपन कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें, तो देखिए यदि हम इसी का आप लोगों के साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करें, तो नॉर्मली जो हमारा थोरेसिक कैविटी, जिनमें से 11th और 12th नंबर फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जरूरत नहीं है, तो अपन ऐसा करते हैं पहले रिब्स फॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि ये 12 रिब्स हैं, ये मानिए इस तरह का रिब्स हो गई, ये रिब्स हैं। अब मैं ऐसे ट्रांसवर्स के सेक्शन लूंगा, जैसे ये रिप्स हैं, तो हम ऐसे काटेंगे तो रिप्स का हमको ये वाला पोर्शन दिखेगा, मतलब ये ऐसे हैं रिप्स, है ना। तो ढूंढने मत लगना कि कैसे, मतलब ऐसे सर ने गोल गोल बताया था, ऐसे रिप्स होती हैं क्या, नहीं ऐसी होती हैं, मतलब अरे यार ये रिप्स हैं, तो आपको ऐसे यदि आप ऐसे काटोगे और ये वाला पोर्शन देखोगे तो सिर्फ ये दिखेगा ना रिप्स का, हाँ तो वही तो है, तो ये रिप्स हो गई। ठीक है, अब रिब्स के फ्रंट में यानी रिब्स के इंटीरियर यदि आप बात करोगे, इंटीरियर पोस्टीरियर, हाँ यदि आप रिब्स के ऊपर बात करोगे तो रिब्स के ऊपर एक मसल्स होती है, रिब्स के ऊपर मसल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरस, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, क्या बोलते हैं, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, है ना, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। इस पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर एक सॉफ्ट राउंडेड पार्ट होता है, सॉफ्ट राउंडेड उभार होता है, ये ऐसे एक सॉफ्ट राउंडेड उभार होता है, सॉफ्ट राउंडेड उभार होता है ना, जिसमें सॉफ्ट राउंडेड उभार में सॉफ्ट राउंडेड उभार में ऐसे सॉफ्ट राउंडेड उभार में ऐसे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलेंगे कौन सी, लैक्टिफेरस ग्लैंड्स, ऐसे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलेंगे लैक्टिफेरस ग्लैंड। इन लैक्टिफेरस ग्लैंड से जुड़ी हुई रहती हैं लैक्टिफेरस
लैक्टिफेरस डक्ट, क्या जुड़ी रहती है? लैक्टिफेरस डक्ट। और इन्हीं लैक्टिफेरस जो ग्लैंड्स हैं तो इनमें कुछ सेल्स रहती हैं जिसको हम बोलेंगे एसिनर्स, ऐसे ऐसे ये कुछ सेल्स रहती हैं जिसको हम बोलेंगे एसिनर एपिथेलियल सेल। क्या बोलेंगे? एसिनर एपिथेलियल सेल, एसिनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और ये जो लैक्टिफेरस ग्लैंड के बीच में इधर इंटरस्टीशियल स्पेस में फैट और कनेक्टिव टिश्यू रहता है। क्या रहता है यहाँ पे? फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का एल्व्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एल्व्यूलर है ना, एल्व्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि सॉफ्ट होते हैं। फैट और इन दोनों के वजह से मैमरी ग्लैंड कैसे सॉफ्ट एंड राउंडेड होती है। ठीक है, अब देखिए जो लैक्टिफेरस ग्लैंड है, लैक्टिफेरस ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यदि हम बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन तो ये काम क्या करता है? हेल्प हेल्प द मिल्क फॉर्मेशन लैक्टिफेरस ग्लैंड। ठीक है, अब लैक्टिफेरस ग्लैंड में मिल्क फॉर्म हो गया। मिल्क फॉर्मेशन के बाद ये मिल्क ऑक है ना, लैक्टिफेरस डक्ट जो कि अपनी लैक्टिफेरस डक्ट, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं तो ये होती हैं बेटा 15 से 25 लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं। और लैक्टिफेरस ग्लैंड की बात करें तो 15 से 20 लैक्टिफेरस ग्लैंड होती हैं मैमरी ग्लैंड में। तो एक मैमरी ग्लैंड में 15 से 20 लैक्टिफेरस ग्लैंड हैं और इस तरह 15 से 25 लैक्टिफेरस डक्ट हैं। और ये लैक्टिफेरस डक्ट मिलके एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको हम बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं जिनको? निप्पल। निप्पल के चारों ओर का भी पार्ट जो होता है वो भी डार्क कलर का होता है। निप्पल्स के चारों ओर का जो पार्ट है वो डार्क कलर का होता है, इस डार्क कलर वाले है ना, डार्क पिगमेंटेड सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल, इसको हम बोलेंगे एव्यूला मैमी। ठीक है, निपल्स के चारों ओर एक और पिग डार्क पिगमेंटेड सॉफ्ट कलर का एरिया होता है जिसको हम बोलेंगे एव्यूला मैमी है ना। तो इस तरह से निपल्स निपल वो इस तरह से मैमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक और हार्मोन्स है जो यहाँ पे काम आता है, ऑक्सीटोसिन। एक और हार्मोन है जो कि मेमरी ग्लैंड में ही काम आता है जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीटोसिन। तो ये क्या काम करता है? तो रिलीज ऑफ मिल्क ये होता है, ये काम करता है रिलीज ऑफ मिल्क इन रिस्पॉन्स टू स्टूमुलेशन ऑफ द निप्पल्स, स्टूमुलेशन ऑफ द निप्पल्स बाई सकिंग बेबी है ना। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम हो गया, ये हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टिफेरस ग्लैंड्स में मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये जो मिल्क फॉर्म होता है। तो जब निप्पल्स वाले पार्ट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से बेबी द्वारा सकिंग किया जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ के निप्पल्स ग्लैंड वो सॉरी यहाँ से लैक्टिफेरस
ग्लैंड से मिल्क को निप्पल्स में, जिसका एरिया या डायमीटर 0.5 मिलीमीटर होता है एक डक्ट का, यहाँ से मिल्क को बाहर निकालता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट इजैकुलेशन ऑफ मिल्क एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो ये इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, तो ये मिल्क का इजैकुलेशन भी करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे दो हार्मोन्स की और आपसे डिस्कस करें, तो एक हार्मोन्स था कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। एक हार्मोन था प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है? जो एसिनर इपिथीलियम रहती है, जो एसिनर इपिथीलियम रहती है, तो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो आप लिख सकते हैं एसिनर इपिथीलियल फॉर्मेशन, एसिनर इपिथीलियम सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक और होता है एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो ये हमारा फैट या कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये पैरेन्काइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस होता है, तो ये क्या काम करता है? पैरेन्काइमेटस एंड लैक्टिफेरस ग्लैंड फॉर्मेशन। लैक्टिफेरस ग्लैंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन सा? हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एसिनर इपिथीलियल सेल फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका क्या? मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मैमरी ग्लैंड का ये पूरा डिस्कस कर लेंगे। एक बार यदि हम और रिवीजन कर लें, तो आप लोग देख लो जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स क्या होती है। तो मैमरी ग्लैंड्स को अपन बोल सकते हैं कि सॉफ्ट राउंडेड पार्ट ऑफ द, सॉफ्ट राउंडेड पार्ट ऑफ द फीमेल फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के ब्रेस्ट, फीमेल बॉडी का ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड से कैसा एरिया, सॉफ्ट पार्ट होता है जो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है यदि हम देखें, तो ये जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स के ऊपर जो जो पेक्टोरलिस मसल्स होती हैं, मेजर पेक्टोरलिस मसल्स होती हैं, तो रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर एक सॉफ्ट राउंडेड पार्ट होता है। ठीक है, इस सॉफ्ट राउंडेड पार्ट में क्या होता है कि बीच बीच में फैट और कनेक्टिव टिश्यू जो कि पैरेन्काइमेटस होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह से 15 से 20 लैक्टिफेरस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। उन लैक्टिफेरस ग्लैंड से लैक्टिफेरस डक्ट निकलती हैं जो कि 15 से 25 होती हैं, और ये लैक्टिफेरस डक्ट जाके आगे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जो कि डार्क पिगमेंटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं निप्पल्स। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें, तो निप्पल्स के चारों ओर का भी एक डार्क एरिया रहता है, उसको चारों ओर कवर करता है एक डार्क एरिया, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोला मैमी, है ना। इस तरह से हमारे मेमरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है, और जो मेमरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, इसमें से मेमरी ग्लैंड्स में फिर क्या होता है, देखिए तीन चार हार्मोन्स है जो काम करता है। यदि हम सबसे पहले बात करें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एसिनर इपिथीलियल सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा यदि हम बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन, तो पैरेन्काइमेटस या लैक्टिफेरस ग्लैंड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन फॉर्मेशन द मिल्क इन लैक्टिफेरस ग्लैंड। और यदि हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज मिल्क इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई ऑफ द निप्पल्स बाय द सकिंग बेबी। मतलब कि जो जो ऑक्सीटोसिन होता है, मिल्क इजैकुलेट करता है, मेमरी ग्लैंड से बाहर निकालता है जब बेबी निप्पल्स को सक करता है, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा मेमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट लेक्चर अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।